हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्शन। आई का टेस्ट चल रहा था और अभी एक टेस्ट कंप्लीट हुआ है। बीपीएससी 67 फ्री 8 मई को होने वाला है। एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये दूसरा टेस्ट है और ये दूसरा टेस्ट जो है ना, ये पूरा एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि पिछला वाला दो भागों में कंप्लीट किए थे, इसको एक ही भाग में कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे और व्याख्या भी देंगे। व्याख्या में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल सकते हैं, होंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि पूरा का पूरा एक एक फैक्ट, एक एक प्रश्न आपको अच्छे से याद भी हो जाए। और एक बार दो एक से दो बार अगर देख लेंगे ना याद हो ही जाएगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करेंगे आज का दूसरा टेस्ट है ये। और दूसरा टेस्ट जो है ना, वो हिस्ट्री से ही शुरुआत होगी इसकी फिलहाल। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है इसका। पहला प्रश्न है, संस्कृत और हिंदी को संरक्षण देने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो संस्कृत और हिंदी को संरक्षण देने वाला पहला मुगल बादशाह है अकबर, ठीक है। इसने एक शब्दकोश है अकबर के शासनकाल में पारसी प्रकाश, इसका संकलन किया गया और जहांगीर ने भी संस्कृत लेखकों को संरक्षण दिया था, याद रखना। अगला प्रश्न है कि लीलावती निम्न डैश से संबंधित कृति है और डैश द्वारा लिखी गई है। लीलावती क्या भी बीजगणित है, ठीक है। लीलावती क्या है? बीजगणित है और ये भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा युग सही सुमेलित है? एक तरफ चित्रकला का प्रकार दिया गया, दूसरी तरफ दिया गया है स्थान। तो पहला है पट्टचित्र, पटुआ कला, पेटकर, चेरियल। तो देखिए इसमें जो सुमेलित है ना, पट्टचित्र जो है ना उड़ीसा में है, पटुआ कला कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, पेटकर आपका झारखंड में है, जबकि जो चेरियाल है ये तमिलनाडु में ना होकर वो तेलंगाना में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेटकर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अष्टदिग्गजों में से एक नहीं था? अष्टदिग्गज थे तो अष्टदिग्गजों में देखिए क्या है, अष्टदिग्गज जो थे कृष्णराय के दरबार को सुशोभित करने वाले 8 विद्वान थे, ठीक है। इसमें अल्लाह सानी पेदन्ना था, अल्लाह सानी पेदन्ना थे, याद रखना, जो परिजात अपहरणम का लेखक भी है। अगले हैं कि मदयागरी मल्लाना धुरजाति भी हैं, ठीक है। धुरजाति हैं अयाला राजू रामभद्र भी हैं, पिंगली सुरन हैं, राम राजभूषण हैं और तेनाली रामकृष्ण हैं। तो पिंगली सुरन, राम राजभूषण, तेनाली रामकृष्ण और धुरजाति, ये सब के सब क्या हैं? अष्टदिग्गज हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था ना, इसलिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो भैया अमीर खुसरो का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अमीर खुसरो जो थे वो दिल्ली सल्तनत के शासकों का समकालीन था, ठीक है। अमीर खुसरो जो कि अरबी और फारसी में काव्य रचना करते भी थे, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महानाटक सुधा निधि का लेखक? महानाटक सुधा निधि का जो लेखक है वो है देवराय द्वितीय, ठीक है, याद रखना, देवराय द्वितीय है। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ? तो धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब दारा शिकोह के बीच, ठीक है, औरंगजेब दारा शिकोह के बीच हुआ था। और ये कब हुआ है? 1658 में औरंगजेब ने दारा शिकोह को यहाँ पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेज औरंगजेब के हाथ से दारा शिकोह मारा भी गया था। दारा को शाहजहाँ शाह बुलंद इकबाल कहते थे, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है,
मध्यकालीन भारत में महतारा और पट्टकिला पदनामों का प्रयोग किया जाता था, तो ये किसके लिए, महतारा और पट्टकिला, ये जो शब्द है ना मध्यकाल में ग्राम प्रधानों के लिए महतारा और पट्टकिला शब्द का प्रयोग किया जाता था, मतलब गांव के मुखिया के लिए। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के किस सुल्तान ने तिरहुत में टकसाल नगर की स्थापना की, तिरहुत में टकसाल नगर की स्थापना की थी तुगलक वंश के किस सुल्तान ने, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, और नाम क्या रखा, नाम रखा था तुगलकपुर, तो सही उत्तर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। देखिए बायलिंगुअल है तो बगल में ये साइड में प्रश्न ये भी चल रहा है इंग्लिश वाला, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है, और इसका सही उत्तर भी जो बता रहे हैं उसी हिसाब से इधर आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम है, बंगाल के शासकों का, तो देखिए इसमें सबसे पहले आएंगे विजय सेन, फिर बल्लाल सेन, फिर आएंगे लक्ष्मण सेन जिसको लक्षण सेन भी कहा जाता है, और आएंगे उसके बाद विश्वरूप सेन। विजय सेन जो था ना वो इस वंश का वास्तविक, मतलब सेन वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसकी दो राजधानियां रही भाई विजय सेन की, कौन कौन सी, एक तो विजयपुरी और दूसरा विक्रमपुरी। दान सागर और अद्भुत सागर बल्लाल सेन के द्वारा लिखी गई हैं, बल्लाल सेन जो दूसरे शासक हैं याद रखना, और बल्लाल सेन ने कुलीनवाद मतलब पुनर्गठित जाति व्यवस्था का सूत्रपात किया, किसका, कुलीनवाद, कुलीनवाद का सूत्रपात किसने किया था, तो बल्लाल सेन ने किया था। ठीक है, तो थोड़ा ये फैक्ट है याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, तो पाल वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था मदन पाल। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है कि फिर से बता, इसमें कालानुक्रम बताना फिर से, अकबर की विजयों का सही क्रम क्या है, तो अकबर का, अकबर की जो विजयों का सही क्रम है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि कालिंजर सबसे पहले 1569 में, 1569 में, उसके बाद आएगा गुजरात, गुजरात है 1572 में, उसके बाद आएगा उड़ीसा, उड़ीसा आएगा 1590 से 92 में, फिर उसके बाद आएगा कंधार, कंधार कब जीता था, कंधार जीता भैया 1595। एक चीज़ और याद रखते हैं, जो कालिंजर को जीता था तो कालिंजर में उस समय शासक रामचंद्र थे, गुजरात में कौन थे, गुजरात में बहादुर शाह थे, उड़ीसा में थे कुतुल खान और निसार खान, और कंधार में थे मुजफ्फर हुसैन मिर्जा, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, कालिंजर गुजरात उड़ीसा कंधार। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है, तो ये सबको पता होगा गोल गुंबद जो बीजापुर का है ये सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मनसबदारी प्रणाली प्रचलित की गई थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अच्छा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1595-96 में। ठीक है, मनसब शब्द होता है अरबी मूल का है, इसका मतलब क्या है, दर्जा स्थिति के अर्थ में उपयोग किया जाता था। यह व्यवस्था सरकारी अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों का दर्जा और स्थिति निर्धारित करती थी। हर नागरिक और सैन्य अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था जिससे उनका वेतन और भत्ता तय होता था। मनसबदारी जो व्यवस्था थी ना वो दशमलव पद्धति पर आधारित थी, याद रखना, और याद ये भी रखना है कि जो ये मनसबदारी व्यवस्था ना ये मंगोलों के द्वारा, मुगलों ने ली थी, मंगोलों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी मनसबदारी व्यवस्था की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखना, तो इसमें अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, पारिश्रमिक के लिए होता था ही, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, भव्य उपाधि कौन सी धारण की, देखिए तूतीय हिंद तो नहीं है, ठीक है ना, तो कैसरे हिंद है, तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, है ना, चलिए जिल्ले इलाह, जो कि याद रखना, कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जिल्ले इलाह का अर्थ क्या होता है, तो जिल्ले इलाह का अर्थ मतलब है कि ईश्वर की प्रति छाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी में सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, तो जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था वो होता था मीर बख्शी। ठीक है, ये याद रखना, मीर बख्शी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मुगल काल में अमल गुजार क्या था,
मुगल काल में जो अमल गुजार था भैया, वो भू राजस्व निर्धारण संग्रहण के लिए उत्तरदायी होता था, भू राजस्व संग्रहण के लिए और आकलन के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है, फौजदार प्रशासन में दिन प्रतिदिन के कामकाज की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार होता था, जबकि काजी आपराधिक न्याय के लिए जिम्मेदार होता था। तो दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए कौन जिम्मेदार होता था? फौजदार था। और काजी क्या करता था? काजी जो था आपराधिक न्याय के लिए जिम्मेदार होता था। तो भैया अमलगुजार जो था भू राजस्व के आकलन के लिए जिम्मेदार था और भू राजस्व के संग्रह के लिए जिम्मेदार था। इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान, जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है, तो ये कौन भाई? फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसी ने दिल्ली में की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसी ने 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे। और ये कहा जाता है कि दासों का बड़ा शौकीन था, इसने दीवान बंदगान नामक डिपार्टमेंट भी बनाया था। ठीक है, इसने सिंचाई उचाई पर भी अच्छे खासे काम किए थे, खेती के लिए अच्छे खासे काम किए थे। तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक है ये। अगला प्रश्न है कि कालक्रम बताना भैया, इसमें तुगलकाबाद का किला है, लोदी बाग है, कुतुब मीनार है, फतेहपुर सीकरी है। तो भैया देखो, फतेहपुर सीकरी तो चला जाएगा अकबर के समय में, 1580 के आसपास की बात है वो, तो उसको छोड़ देते हैं। अभी कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, तो सबसे पहले तो कुतुब मीनार आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद आएगा तुगलकाबाद का किला बना, बस समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इसमें सबसे पहले कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोदी बाग, फतेहपुर सीकरी, 3, 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है, सुल्तान अपनी प्रजा से और प्रजा अपने सुल्तान से मुक्त हो गई, ये बदायूनी ने कहा था, तो बदायूनी ने किसके मरने पर कहा था? तो भैया सबको पता होगा कि MBT की मृत्यु पर बदायूनी ने इस तरीके से बोला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 प्रकार के अध्यादेश जारी किए थे। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा, नहीं अध्यादेश नहीं था, उसने 5 योजनाएं लागू की थी, बरनी बताते हैं, ये हमने आपको वीडियो में बताया है, जब आप मिडिवल हिस्ट्री का वीडियो देखेंगे ना तो उसमें हमने आपको बता रखा, तो आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वो 5 योजनाएं जो है ना, उनमें से पूछा जा सकता है कि प्रश्न मतलब क्या है इसमें, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक मुस्लिम शासक को धर्मनिरपेक्षता में उसके विश्वास के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा द्वारा जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, तो किसके लिए है? ये हुसैन शाह है क्या कि इब्राहिम आदिल शाह? ये देखो भैया, इब्राहिम आदिल शाह, इनको अबला बाबा भी कहा जाता था, गरीबों की मदद करते थे ना, अबला बाबा कहे जाते थे। ठीक है, जगत गुरु भी कहा जाता था, इब्राहिम आदिल शाह नाम है इनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, चंगेज खान के अधीन मंगोल किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण करने हेतु सीमा पर आ गए थे? चंगेज खान, ये इल्तुतमिश के समय पे, चंगेज खान जो है ना इल्तुतमिश के समय पे आया था, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है पेपर में। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था? तो मक्का का द्वार जो था ना, वो सूरत को कहा जा रहा होगा, है ना, बात समझ रहे हैं? तो सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित हैं? तो दीवाने बंदगान अभी हमने बताया है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित भाई। ठीक है, दास विभाग था ये। दूसरा है दीवाने मुस्तखराज क्या था? बकाया राशि वसूली विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, तो बलवंत तो है नहीं, तो बी वाला तो गलत हो गया। अगला है दीवाने कोही, जो कि कृषि विभाग से संबंधित था, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया, ये भी गलत है। डी वाला क्या, दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था और ये बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसमें सही सुमेलित पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवाने बंदगान। ठीक है, बाकी आप देख लें, दीवाने अर्ज को बलबन से मिला दीजिए, दीवाने मुस्तखराज को हम अलाउद्दीन खिलजी से मिला देते हैं और दीवाने कोही को मोहम्मद बिन तुगलक से मिला देंगे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण और उत्तर भारत के बीच सेतु कहा जाता था? दक्षिण और उत्तर भारत के बीच सेतु कहा जाता था तो वो कौन थे भाई? देखिए 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को सुशोभित करने वाले रामानंद थे जिन्हें उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में सेतु कहा जाता था। ठीक है ना, याद रखना। तो इनका नाम है रामानंद जो थे ना, वो मूल रूप से दक्षिण के थे लेकिन वह उत्तर में चले गए और राम भक्ति का प्रचार किया। पहले लोग केवल कृष्ण के उपासक थे, इस प्रकार भक्ति संप्रदाय उत्तर में उपयुक्त समय पर दृश्य पटल पर आई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रामानंद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना हमें। चलिए चयन करते हैं भाई। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अलग सैन्य विभाग की स्थापना की? गलत है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया था कुछ। अगला है स्टेटमेंट है कि बलबन ने अपनी सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी घोड़ा दागने की व्यवस्था भाई। फिर बाद में मुगल वंश में आकर अकबर शुरुआत कर देता है फिर वो भी। ठीक है, अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका सहोदर भाई उत्तराधिकारी बना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया था। हमने अभी ऊपर भी बताया है कि दीवाने बंदकांड की स्थापना की थी, ये दासों का शौकीन था इसलिए। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? देखिए इनका समय है ना 1608 से लेकर 1650 तक। तो भैया देखो इसमें क्या है कि फिरोज शाह तुगलक, अकबर या बलबन, ये तो हो ही नहीं सकते, तो इस समय होंगे कौन? जहांगीर। ठीक है, तो याद रखना जहांगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1608 से 1650 तक। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला एक यात्री था जो बाद में शाहजहां का दरबारी इतिहासकार बन गया। उसने शाहजहां के शासनकाल के बारे में पादशाहनामा नामक पुस्तक में लिखी जिसे बादशाहनामा भी कहा जाता है। तो ये अकबर के नहीं शाहजहां के शासनकाल के दौरान आया हुआ एक यात्री था, अब्दुल हमीद लाहौरी नाम है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बंजारे संबंधित थे? मध्यकाल में जो बंजारे संबंधित थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का परिवहन या व्यापार करने वाले लोग होते थे। जिन वस्तुओं को परिवहन या व्यापार करते थे उनमें नमक था, अनाज, जलाऊ लकड़ी, मवेशी, ये सब शामिल होते। इस प्रकार बंजारे जो थे वो क्या थे? खाना बदोश व्यापारी थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यापारी थे बंजारे। ठीक है, आज भी आप लोग देख सकते हैं गाँव क्षेत्र में आते हैं वो लोग। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो देखिए भारत में पहली फैक्ट्री जो बनी ना, किसकी? इंग्लिश, मतलब ब्रिटिश की, तो वो बनी थी 1611 में। कहाँ बनी थी? मछलीपट्टनम में। लेकिन दूसरी जो बनी वो स्थाई बनी वो बनी सूरत में 1615 में। तो ये जहांगीर का समय भैया सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बंगाल में कुलीनवाद की शुरुआत की थी? देखो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, कुलीनवाद की शुरुआत की थी बल्लाल सेन ने, जो कि सेन वंश का दूसरा शासक है। तो इसका सही उत्तर बल्लाल सेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था? जेजाक भुक्ति के नाम से हम बुंदेलखंड वाला एरिया को जानते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये क्या था? मोटे तौर पर प्राचीन महाजनपद चेदी का इलाका था। जेजाक भुक्ति के चंदेलों में उल्लेखनीय राजा धंग, गंड और परमल थे। जेजाक भुक्ति के चंदेलों को की विरासत प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों के निर्माण में प्रतिबिंबित होती है। तो याद रखना बुंदेलखंड एरिया जेजाक भुक्ति था, यहाँ पे चंदेल लोग प्रसिद्ध थे। अच्छा, प्रारंभिक चालुक्य कौन थे भाई? देखिए प्रारंभिक जो चालुक्य था ना वो बादामी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में ओसियान के मंदिर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी भैया गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज यात्रा आयोजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? हज यात्रा,
अकबर नहीं था, शेरशाह सूरी भी नहीं, रजिया सुल्तान भी नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, तो याद रखना इनका नाम क्या है, नहीं अकबर हैं, इसी ने किया था। हाँ ठीक है, सल्तनत काल में, लेकिन इसे ऐसे ही किसी ने काम किया है और अभी मैं इतना ध्यान नहीं है, फिलहाल बता देंगे साल हमें ध्यान आएगा ना तो कमेंट बॉक्स में हम लिख देंगे या ग्रुप में डाल देंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ी मात्रा में आयात किया जाता था विजयनगर साम्राज्य के द्वारा? तो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा ना घोड़ों का सबसे बड़ी मात्रा में आयात होता था। ठीक है, और यहाँ पे कौन से घोड़े आते थे, अरबी घोड़े मंगाए जाते थे भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ों का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की कृति है? फिरोज शाह तुगलक ने कुछ लिखा है ना, तो क्या लिखा भाई, फिरोज तारीख़ फिरोज शाही, फतुहात फिरोज शाही, फतवाए नवाब शाही, तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, इन्होंने लिखी है फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखा है, फतुहात फिरोज शाही नाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? देखिए मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान थे क्या, नहीं, मोहम्मद गोरी को 1178 में, 1178 में भीम सेकंड ने पराजित किया था। ठीक है, तो 1178 में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1331 में हुई है, हरिहर बुक्का के द्वारा हुई है, तो किसके समय में हुई है, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो देखिए इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो पश्चिमी तट पर देखिए क्या है, पश्चिमी तट पर मुसिरी है और टंडी है, टंडी, ठीक है, मुसिरी और टंडी है, समझ रहे हैं? चलिए, अच्छा देखिए क्या है कि दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर मुसिरी या मुजिरिस टंडी था, पूर्व में कोरकई कावेरीपट्टनम तमिल भूमि के मुख्य पत्तनों में से थे जहां विदेशियों की भीड़ लगी रहती थी। तो जो पश्चिम साइड में है मुसिरी और टंडी है, मुसिरी को ही मुजिरिस बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाहों के काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया था? काजी उल कुजात था ना, काजी उल कुजात जो था वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, कब, मुगल काल में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने उलुग खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था नुसरत खान और उलुग खान को, तो कौन था ये, ये था भैया अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल के शासक के मनसबदारों में सबसे अधिक हिंदू थे? तो सबसे ज़्यादा हिंदू किसके समय में थे, तो भैया थे औरंगजेब के समय में, याद रखना औरंगजेब के समय में थे। अगला प्रश्न है, और कहा जाता है कि जितने अकबर या जहांगीर के समय में थे ना उनसे कहीं ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे, जबकि औरंगजेब बहुत कट्टर भी था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने अपने राज्याभिषेक के दौरान पादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी? पादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी, तो इसका देखिए 1605 ईस्वी में जहांगीर ने अपना राज्याभिषेक करवाया है अकबर की मृत्यु के बाद, और इसने पादशाह गाजी की उपाधि भी धारण की थी, इसका सही उत्तर जहांगीर होगा। अगला प्रश्न है, हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये किसके थे भैया, ये दोनों लोग हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, हसन निजामी नाम याद रखना और फकरे मुदब्बिर। अगला प्रश्न है, करघा निम्नलिखित में से किस युग या अवधि का तकनीकी नवाचार है था? करघा तो किस समय का है भाई, करघा जो है ना दिल्ली सुल्तानों के संरक्षण के समय का है, दिल्ली सुल्तानों के समय का है, मतलब दिल्ली सल्तनत के सल्तनत युग के समय का है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस शासक ने चंदेल राज्य का विलय कर लिया था? चंदेल राज्य का विलय किस शासक ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब किया था भाई, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेल राज्य को जीत कर दिल्ली सल्तनत मिलाया था। वह अपने विलय आक्रमणों के लिए जाना जाता। उसने 1304 में गुजरात पर भी आक्रमण किया। जटाक भुक्ति के चंदेल वंश मध्य भारत का राजवंश था। उन्होंने 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, तो याद रखना कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की थी? तो इस्लाम शाह की जिसने उपाधि धारण की था उसका नाम है जलाल खान सूरी। ठीक है, ये कौन है भाई, जलाल खान ने उपाधि धारण की और ये शेर शाह का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी था। इस्लाम शाह सूरी जो है ना, 1545 से 1554 तक सूरी वंश का दूसरा शासक रहा, जिसने 16वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। बिहार से संबंधित है इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जलाल खान सूरी ने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से अकबर का कौन सा अकबर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था? देखिए, तारीख़ शेरशाही है, मुंतखब उल तवारीख है, अकबरनामा है, हुमायूं नामा भी है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, अब देखिए इस अकबर के समय में ना हुमायूं नामा भी लिखा गया था, तारीख शेरशाही भी लिखी गई, अकबरनामा भी लिखा गया, मुंतखब उल तवारीख भी लिखा गया, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? एक तरफ स्मारक है, दूसरी तरफ किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा भैया किसने बनवाया था, तो बुलंद दरवाज़ा देखिए क्या है ना, अकबर ने बनवाया है, जहांगीर ने तो बनवाया नहीं। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, बात सही है। मोती मस्जिद किसने बनवाई, मोती मस्जिद जो दिल्ली की है इसको औरंगजेब ने बनवाया है। और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ये करवाया था शाहजहां ने, याद रखना। और मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां ने करवाई थी। इसमें जो सही सही सुमेलित ना वो है अलाई दरवाज़ा दिल्ली का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में हुई निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई या लड़ाइयाँ सही सुमेलित हैं, देख लेते हैं भाई। देखिए, जो बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था फरवरी 1658 में। बहादुरगढ़ का युद्ध फरवरी 1658 में हुआ था। धर्मत का युद्ध कब हुआ, ये हुआ अप्रैल 1658 में। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, और बहादुरगढ़ वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत ही होगा। तो अच्छा, जब तीनों गलत हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1659 होना चाहिए ना, क्योंकि जून 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ और अप्रैल 1659 में देवरई का युद्ध हुआ था। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, अप्रैल 1659 में देवरई का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकाल में मुहत्सिब का काम नहीं था? मुहत्सिब का जो काम नहीं था ना, इसमें अगर हम देखें तो मुहत्सिब का काम था जुआ खानों वैश्यवृत्ति की रोकथाम करना, बाट माप की जांच करना, यह भी देखना होता था कि सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थों का सेवन तो नहीं किया जा रहा। औरंगजेब द्वारा नियुक्त मुहत्सिब लोगों का जीवन बेहतर बनाने में विफल रहे थे, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। तो जुआ खाना देखता था, वैश्यवृत्ति रोकथाम करता था, बाट माप की जाँच भी करता था, ये भी देखता सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थों का सेवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखता था। तो देखता क्या नहीं था, वो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि मुहत्सिब ये काम नहीं करता। क्या नहीं करता था कि नागरिकों के निजी जीवन की जांच करता था और उसमें हस्तक्षेप करता था। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देख लेते हैं, मुहत्सिब जो ये है, क्या पूछा गया, सही पूछा गया ना। तो मनसबदारों की तीन श्रेणियाँ होती थी, बात सही है। दूसरा है, उन्हें मशरूत या सशर्त दर्जा भी दिया जा सकता था, सही है। अगला पॉइंट है, सवार दर्जा जात दर्जे से अधिक हो सकता था, याद रखना जात दर्जा जो है ना, सवार जो था ना वो जात से अधिक कभी नहीं हो सकता था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, तो सी वाला गलत हो गया, सभी सैन्य और नागरिक अधिकारियों को मनसब या दर्जा दिया जाता था, ये भी सही बात है। तो भैया तीन ऑप्शन सही है ना, तो सही पूछा गया इसलिए इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से इबादत खाना के संबंध में गलत था?
इबादत खाना के बारे में क्या गलत है ये देख लेते हैं। तो इबादत खाना का निर्माण हुआ है 1575 में, ठीक है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा ना कि 1579 में नहीं हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इल्तुतमिश के संबंध में सही कथन है। तो इल्तुतमिश के बारे में ध्यान रखना, वह दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक था, सही बात है। उसने दिल्ली को अपनी सल्तनत की राजधानी बनाई, यह भी सही बात है। उसने तुर्कान चहलगानी नामक तुर्की कुलीन वर्ग का निर्माण किया, यह भी सही बात है। लेकिन गलत यह है कि यह नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का दूसरा सुल्तान था। तो दूसरा सुल्तान कैसे हो सकता है जबकि ये दिल्ली का पहला सुल्तान है। तो दिल्ली का जब पहला सुल्तान है तो इसका बी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, बी वाला गलत है, बाकी तीन सही सही पूछा गया, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सल्तनत काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में गलत विकल्प हैं। तो गलत विकल्प कौन सा है भाई, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर का नाम मतलब सिकंदर सानी दिया था, सही है क्या? ऐसा तो नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी पहला नहीं बल्कि दूसरा सिकंदर था, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि यही विकल्प गलत है। तो सिकंदर सानी नहीं, इसने सिकंदर सानी द्वितीय की उपाधि धारण की थी, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना भैया। अब चलिए सुमेलित भी कर लेते हैं भाई। तो देखिए क्या है, अगला प्रश्न सही से आ जाए। मुफ्ती है, बरीद है, कोतवाल है, आरिज ममालिक है। तो अगर हम देखें आरिज ममालिक जो था वो सेना का मंत्री होता था, सेना का प्रभारी होता था आरिज ममालिक। अच्छा, डी का हम अगर तीसरा कर देते हैं तो डी का तीसरा एक ही में है, सी वाले में। तो इसमें देखिए मुफ्ती क्या हो गया, मुफ्ती हो जाएगा कानून का प्रतिपादक। बरीद क्या हो जाएगा, एजेंटों की खुफिया जानकारी। तो कोतवाल क्या हो जाएगा, कोतवाल नगर प्रशासन का प्रमुख हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई थी। तो देखिए गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने, है ना। राजेंद्र प्रथम गंगा का जल लाने के बहाने वो निकला था, है ना, बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए। गंगईकोंड की उपाधि धारण की, गंगईकोंड चोलपुरम नामक तालाब भी बनवाया उसने, है ना। तो थोड़ा याद रखना इसको, राजेंद्र प्रथम है भाई, जिसने पूरे सिंघल द्वीप को जीत लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मध्यकाल के दौरान यात्री और उनके मूल देश का गलत सुमेलन दर्शाता है। बारबोसा है, निकोलो कोंटी है, अब्दुल रज्जाक है, निकितिन है। तो देखिए बारबोसा जो है ना फारसी था क्या, ऐसा तो नहीं है, बारबोसा फारसी नहीं था भाई। बारबोसा डुआर्टे बारबोसा नाम था, ये पुर्तगाली लेखक है। अब ये 1500 और 1516-17 के बीच में पुर्तगाली भारतीय अधिकारी भी था, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। अच्छा, निकोला कॉन्टी इटली का था, बात तो सही है। अब्दुल रज्जाक पुर्तगाली है, अब्दुल रज्जाक, ये भी गलत है ना भाई। अब्दुल रज्जाक जो है ना, इसका पूरा नाम क्या था, अब्दुल रज्जाक का पूरा नाम है कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी, ठीक है। ये क्या था, उज्बेकिस्तान, उज्बेक इतिहासकार इस्लामी विद्वान था। ये जनवरी 1442 से जनवरी 1445 तक भारत के कालीकट में फारस के तिमूरी वंश के शासक थे, शाहरुख का राजदूत था, ठीक है। अफनासी निकितन क्या है, ये रूसी था। तो अफनासी निकितन सही है, निकोलो कोंटी सही है। तो गलत पूछा गया था, इसमें बारबोसा भी गलत है, अब्दुल रज्जाक भी गलत है। तो बारबोसा को हम पुर्तगाल से मिलाएंगे, अब्दुल रज्जाक को उज्बेक से मिला देंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन गलत हैं इसके। अगला प्रश्न है कि मिलाना है फिर से भैया आदिल शाही, निजाम शाही, इमार शाही, कुतुब शाही। अब देखिए आदिल शाही जो वंश है ना वो बीजापुर से संबंधित है, है ना। तो आदिल शाही कहाँ गया, बीजापुर, ए का दूसरा हो जाएगा।
और निजामशाही कहाँ है, निजामशाही है अहमदनगर, याद रखना निजामशाही अहमदनगर से बी का पहला हो जाएगा, तो बी का पहला हो जाए और ए का दूसरा हो जाए, बी का पहला ए का दूसरा, तो इसका सही उत्तर डी वाला हो जाएगा ना, क्योंकि इमादशाही जो है बरार का था और कुतुबशाही जो था वो गोलकुंडा का था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है कि फिर से सुमेलित करना, अब्दुल रज्जाक है, डुआर्टे बारबोसा है, निकोला कंटी है, नोनिज है। अब देखिए ये भी कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं भाई, तो इसमें भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें जो अब्दुल रज्जाक है ना, ये आया था देवराय द्वितीय के समय में। डुआर्टे बारबोसा कब आया था, तो डुआर्टे बारबोसा जो है ये पुर्तगाली यात्री है, ये कृष्णदेव राय के समय में आया था। निकोला कंटी इटली का रहने वाला है, ये आया था अच्युत देव राय के समय में, जबकि नूनिज जो है ये देवराय प्रथम के समय में आया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित कृति या कृतियां नहीं हैं, तो इसका उत्तर देखते तो सही सही। अब देखिए इकबालनामा, फुतुहात आलमगिरी, लड़ाई हैदराबाद, नुस्खाए दिलकुशा, औरंगजेब शासनकाल की कृतियाँ नहीं हैं, हमें जे वाला बताना है इसमें। तो औरंगजेब के समय में जो रही हैं, नुस्खाए दिलकुशा भी था जिसकी रचना भीमसेन ने की थी, फुतुहात आलमगिरी भी है जिसकी रचना ईश्वरदास ने की थी, और लड़ाई हैदराबाद हमला ए हैदरी इसकी रचना मोहम्मद रफ़ी खान ने की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लड़ाई हैदराबाद भी है, नुस्खाए दिलकुशा भी है, फुतुहात आलमगिरी भी है, लेकिन इकबालनामा जो है औरंगजेब के समय की नहीं है। इकबालनामा जबकि कब की है, इकबालनामा भैया जहांगीर के समय की है और मोतमिद खान ने लिखी थी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारत के इतिहास में कुल्यवाप और द्रोणवाप क्या था भाई, कुल्यवाप और द्रोणवाप ये जो ये दोनों जो है पूर्वी भारत में उपयोग की जाने वाली भूमि की माप में शामिल थे। किसमें भूमि की माप होता था, कुल्यवाप और द्रोणवाप। थोड़ा सा अगर ध्यान रखें ना कि इसमें शामिल क्या क्या थे, अधवाप 3/8 से 1/2 एकड़, द्रोणवाप क्या था 11/2 से 2 एकड़, और कुल्यवाप जो था वो 12 से 16 एकड़ होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निषाद बाग जो एक महत्वपूर्ण उद्यान है किसके द्वारा लगवाया गया था, निषाद बाग एक महत्वपूर्ण उद्यान है ये किसके द्वारा लगवाया गया था, तो इसमें देखिए क्या है कि आसिफ खान नूरजहाँ के बड़े भाई हैं, आसिफ खान हैं 1633 में निषाद बाग बनवाया था। निषाद बाग भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट डल झील के पूर्वी हिस्से में बनाया गया सीढ़ीदार मुगल उद्यान है। यह कश्मीर घाटी का दूसरा सबसे बड़ा मुगल उद्यान है, याद रखना। आकार में सबसे बड़ा शालीमार बाग है, यह भी डल झील के किनारे ही स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आसिफ खान ने, जो कि क्या था, कौन था ये, नूरजहाँ का बड़ा भाई था, और नूरजहाँ कौन है, जहांगीर की पत्नी है। ओके, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें बाबर संभल में मस्जिद, रोहिला खंड, अकबर पानीपत में मस्जिद, काबुल बाग, तो गलत है ना, ये तो पानीपत में नहीं, अकबर का। ठीक है, अगला क्या है, शाहजहां मोती मस्जिद आगरा, सही बात है, औरंगजेब पंजाब में फतेहाबाद की मस्जिद, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछा गया ना, तो इसमें बाबर गलत है, औरंगजेब गलत है, तो दो ऑप्शन गलत हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नहीं 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 बाबर नहीं, अकबर वाला गलत है, अकबर वाला गलत है, जो पानीपत में मस्जिद नहीं है, औरंगजेब वाला भी गलत है, पंजाब में नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो संभल जो है ना बाबर की है, चार मस्जिदें थी संभल, जो कि रोहिलखंड पानीपत के काबुल बाग में अयोध्या में, ये मस्जिद थी बाबर की। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया भाई, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ना वो अलाई दरवाज़ा बनवाया, मीनारे अलाई बनाया, सीरी का किला भी बनवाया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो था उसने हौज खास, तुगलकाबाद का किला, खिड़की मस्जिद, कला मस्जिद, इन सब का निर्माण करवाया, जबकि हुमायूं ने दीन पनाह की स्थापना की थी। तो इसमें देखिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, ये था अलाई दरवाज़ा, और दूसरा है सीरी का किला, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ना, क्योंकि दो ऑप्शन
सही है इसके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित बताना है इसमें। देखिए, इस्लाम शाह का मृत्यु 1552 हुई थी क्या? इस्लाम शाह जिसे हम जलाल खान भी कहते हैं, ये शेर शाह का लड़का था और ये 1554 में मरा था, ठीक है। एक जो दूसरा ऑप्शन है इसमें, शेर शाह की मृत्यु 1550 में, बात सही है। सुमेल का युद्ध हुआ था 1547 में हुआ था क्या? देखिए, सुमेल का जो युद्ध था वो 1544 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ? तो शेर शाह और माल देव जो कि मारवाड़ के शासक हैं, इन दोनों के बीच लड़ा गया था। इसमें शेर शाह ने क्या किया? उसे हरा दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मतलब हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः विजय प्राप्त की थी 1555 में, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो शेर शाह की मृत्यु 50 में नहीं हुई है, इस्लाम शाह की 50 में हुई है, ठीक है। सुमेल का युद्ध 1552 में हुआ है, सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, भारत में बाबर का पहला अभियान था, तो भारत में बाबर का पहला अभियान कौन सा था? भारत में बाबर का पहला अभियान बागौर और भीरा थे, ठीक है। बागौर और भीरा, बागौर अगर ना रहे भीरा रहे तो याद रखना भीरा भी है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न, मुगल काल में मुजारियन, खुदकाश्त, पाहिकाश्त शब्दों का प्रयोग किया जाता था, तो क्या है? अब देखिए, पाहिकाश्त कास्त और खुदकाश्त, अब देखो ये क्या है ना, खेती करने वाली विधि है। जैसे आज भी हम लोग कहते हैं ना, पाही वाले चाचा हैं तो पाही वाले भैया हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो पाही कास्ट है वही, मुजारियन खुद कास्ट भी है। खुद कास्ट क्या होता था? जो अपनी जमीन पर खेती कर रहा है। पाही कास्ट है तो कौन होता था? जो अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह जाके खेती करे। और मुजारियन कौन होता था? मुजारियन वो होता था जो खुद कास्ट की भूमि में मजदूरी के रूप में खेती करता था, ठीक है, तो याद रखना। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? किसानों के लिए था, है ना, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कालक्रम बताना भैया, दुर्गा मंदिर, ऐहोल, बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्केश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, अब इसका सही सुमेल बताना। देखिए क्या है, दुर्गा मंदिर जो ऐहोल में बना था वो 7वीं-8वीं शताब्दी में बना, बृहदेश्वर मंदिर कब बना? 1010 ईसा पूर्व ईस्वी में बना, कोणार्केश्वर मंदिर कब बना? ये बना 1250 ईस्वी में, और होयसलेश्वर जो मंदिर है ये बना था 1121 से 1160 के बीच में, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले हम लाएंगे दुर्गा मंदिर ऐहोल, फिर उसके बाद लाएंगे बृहदेश्वर मंदिर 1010 में, तो 1-2 सही है, तो 1-2 शुरू में ही सही है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। इसे का मतलब है कि होयसलेश्वर मंदिर पहले बना और उसके बाद फिर बनता कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो कोणार्क सूर्य मंदिर कब बन रहा? 1250 में। जबकि होयसलेश्वर कब बन रहा है? ये 1121 में बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सैयद वंश की स्थापना की थी? देखिए, सैयद वंश की स्थापना हुई है, जैसे हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी बोलते हैं, तो तुगलक में जो मोहम्मद शाह था ना, नासिरुद्दीन था महमूद, इसकी मृत्यु के बाद खिज खान ने सैयद वंश की स्थापना की है, ठीक है, तो याद रखना खिजर खान नाम है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शुरुआत की थी? देखिए भैया, सिजदा पाबोस की शुरुआत जो इसने की थी उसका नाम है गयासुद्दीन बलबन, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गयासुद्दीन बलबन इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिजदा और पाबोस होता था, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने वाला एकमात्र धर्म परिवर्तित तो भारतीय मुसलमान था? आप लोगों ने नासिरुद्दीन खुसरो शाह का नाम सुना होगा, यही था, परवर्ती मुसलमान था भाई, इतिहास में ही बताया गया है। और ये बनता कब है? ये 1320 में, लगभग 2 महीने के लिए ही दिल्ली का सुल्तान रहता है, ठीक है, याद रखना। तो खुसरो शाह नाम है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षण दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको संरक्षण दिया था भाई?
तो मेन प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभास सूरी जैसे संतों को संरक्षण दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक अन्य धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता था। कई इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि सुल्तान ने 1328 के दौरान जैन भिक्षु जिन प्रभास सूरी का सम्मान किया, और पीटर जैक्सन ने भी उल्लेख किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र सुल्तान था जो हिंदू उत्सवों में भाग लेता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिन प्रभा सूरी मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो सफल क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि प्रत्येक मुद्रा की ढलाई के लिए तांबे की कमी कर बड़े पैमाने पर नकली मुद्रा ढालने के कारण। तो भैया देखो, सी तो सही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इतिहास में ये बात आती है कि उस समय हर एक घर जो है टकसाल में परिवर्तित तो हो चुका था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने पर नकली मुद्रा ढाल दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके आगे का जो प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित कार्यक्रमों को उनको उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है भाई। राजधानी स्थानांतरण, दोआब में कराधान वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा जारी किया, कांगड़ा अभियान किया था। तो इसका जो सही कालक्रम होगा वो कैसा होगा, इसमें हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसने दोआब में कर वृद्धि कर दी थी भाई, यही पांच योजनाएं इसने लागू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो बरनी बताते हैं कि दोआब में कर वृद्धि की, राजधानी स्थानांतरण किया, क्रम है सांकेतिक मुद्रा जारी की, कांगड़ा अभियान किया और कराचिल अभियान भी इसने चलाया था। तो यही पांच योजनाएं थी इसकी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही इसका क्रम है, याद रखना। ठीक है, चल अगला प्रश्न है। इतिहासकार हैं रॉबर्ट सेवेल ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को भूला बिसरा साम्राज्य कहा था। भूला बिसरा साम्राज्य कहा था ये कैसे, क्या भी अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण दक्षिण भारत में था, मुगलों से काफ़ी पहले ही इसका पतन हो गया था। हालांकि यह एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में इस पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला गया। न्यायाधीश हैं रॉबर्ट सेवेल हैं, औपनिवेशिक भारत में एक सिविल सर्वेंट थे और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास, विशेष रूप से साम्राज्य की राजधानी हम्पी के पतन पर व्यापक काम किया। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में डोमिंगो पायस और फर्नांडो नूनीज के वृत्तांत का अनुवाद किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य भूला बिसरा साम्राज्य कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, रॉबर्ट सेवेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, विजयनगर काल के दौरान द्रविड़ वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो देखिए, महत्वपूर्ण विशेषता जो है ना वो द्रविड़ वास्तुकला की कल्याण मंडप। कल्याण मंडप होता क्या था कि आयताकार प्रांगण के अंदर कई संरचनाएं होती थी। कल्याण मंडप एक खुला मंडप होता था जिसका उपयोग समारोहों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कल्याण मंडप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसमें देखिए, इल्तुतमिश है भाई, पहला शासक बन रहा है ना, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल ने विद्रोह कर दिया था, उसे इल्तुतमिश ने दबाया। इल्तुतमिश ने उज्जैन, रणथंभौर, ग्वालियर, मालवा पर विजय भी प्राप्त की और पूरा उत्तर भारत अपने नियंत्रण में ले आया, और इसी ने क्या किया, दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, राज्य या प्रांत अधिग्रहित नहीं किया गया था। अब क्या होगा कि बीदर है ना, बीदर कहाँ है, कर्नाटक के उत्तर पूर्वी भाग में है, पहाड़ी शिखर पर बसा एक शहर है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने सफल घेराबंदी कर बीदर पर कब्जा किया था। किसने किया था, औरंगजेब ने किया था, याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बीदर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से बाकी कश्मीर, कंधार, उड़ीसा पर इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दक्कनी रियासतों को उखाड़ फेंकने में अपने शासनकाल का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत किया है। मुगल बादशाह है दक्कनी रियासतों को उखाड़ फेंकने के चक्कर में वो बर्बाद हुआ, मतलब ज़्यादा टाइम अपना गंवा दिया, तो मतलब औरंगजेब था ये। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, औरंगजेब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है।
देखिए भैया, किला एक कोहना मस्जिद जो है ना, इसको शेर शाह सूरी ने बनवाया है। और ये कहाँ बनवाया है, पुरानी पुराना किला जो है ना दिल्ली में, उसमें बना हुआ है। बाकी देखिए इबादत खाना भी है, पच्चीसी दरबार है क्या, पच्चीसी दरबार भी है, बुलंद दरवाजा भी है। इसका सही उत्तर किला एक कोहना मस्जिद हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार रुपया सिक्का जारी किया था, पहली बार रुपया सिक्का जारी किया था जो कि चांदी का होता था, याद रखना शेर शाह के द्वारा प्रचलित किया गया था, नाम है शेर शाह सूरी द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की नींव किसके द्वारा रखी गई, मुगल चित्रकला की नींव, ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये वाला पहले भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, जिसका सही उत्तर हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। ठीक है, लक्ष्मण देव नाम था, लक्ष्मण देव भी कह सकते हैं इनको। ये सिख योद्धा है, खालसा सेना के सेनापति थे, 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था, तपस्वी बन गए, उन्हें माधोदास बैरागी का नाम भी दिया गया है, तो माधोदास बैरागी भी याद रखना है इसमें, तो लक्ष्मण देव और माधोदास बैरागी को ही बंदा बहादुर कहा जाता है। उत्तर मेरूर अभिलेख, अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर अभिलेख किसके शासन काल से संबंधित है, उत्तर मेरूर अभिलेख की बात अगर कर ले तो उत्तर मेरूर अभिलेख जो है ना, भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में एक नगर पंचायत है, यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर दूर पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। अपने मंदिर अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है, 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास मौजूद स्वशासन प्रणाली का वर्णन करते हैं। तो ये अभिलेख जो है 10वीं शताब्दी के चोल सम्राट थे परांतक फर्स्ट के समय में लिखा गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, परांतक फर्स्ट। अगला प्रश्न क्या है, किस राष्ट्रकूट राजा ने कविराज मार्ग, रत्नमलिका, प्रश्नोत्तर मलिका कृतियों की रचना की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोघ वर्ष प्रथम ने। ठीक है, याद रखना कविराज मार्ग, रत्नमलिका, प्रश्नोत्तर मलिका किसने लिखी है, अमोघ वर्ष प्रथम ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि मीराबाई के संदर्भ में नहीं, 89 नंबर, कोड़ार का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, तो ये कौन था, ये पूर्वी गंग शासक हुआ करता था ना, ये पूर्वी गंग शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मीराबाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, राजपूत राजकुमारी थी, सही बात है, उन लोगों के एक बड़े संप्रदाय को आकर्षित किया जो उनके अनुयायी बने, उनके गीत गुजरात राजस्थान निचली जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं, वह गुरु रविदास से प्रभावित थी, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें देखिए क्या है, मीराबाई भक्ति परंपरा की सर्वाधिक प्रसिद्ध महिला रही हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये भजनों का श्रेय दिया जाता है और उनसे मुख्य रूप से जीवनी का पुनर्निर्माण किया गया था, जो सदियों से मौखिक रूप से प्रेषित होते रहे थे। सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो वह मारवाड़ की मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी, उनका जो विवाह हुआ उनकी मर्जी के खिलाफ राजस्थान के मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार से हुआ था, अपने पति की अवहेलना की, पत्नी और माँ की पारंपरिक भूमिका के प्रति समर्पण नहीं किया इन्होंने, इसके बजाय विष्णु के अवतार कृष्ण को इन्होंने अपना प्रेमी माना। हालांकि मीराबाई ने किसी संप्रदाय या अनुयायी समूह को आकर्षित नहीं किया, लेकिन उन्हें सदियों से प्रेरणा स्रोत माना जाता रहा है। तो क्या पूछा गया, सही पूछा गया है, तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ई, क्योंकि सभी लगभग सही हैं, इसमें बी वाला गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा से है जुड़ा है, नाथ साहित्य जो है ना वो बंगाली भाषा से जुड़ा हुआ है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में इजरादार शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो इजरादार का मतलब होता था राजस्व संग्राहक। ठीक है, राजस्व संग्राहक, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इजरादार। अगला प्रश्न क्या है, मध्यकालीन भारत में वेट्टी शब्द संदर्भित करता था, वेट्टी शब्द संदर्भित करता था, तो क्या था, वेट्टी क्या था, एक कर था भाई, जो जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था, वेट्टी नकद में नहीं लिया जाता था, याद रखना वेट्टी को नकद नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों को चोलों द्वारा कर मुक्त भूमि अनुदान को ब्रह्मदेय के रूप में जाना जाता था, तो भैया वेट्टी जो शब्द है ना ये जबरन वसूला जाता था, तो क्या है, जबरन श्रम के रूप में एकत्रित करों को बोलते थे वेट्टी। अगला प्रश्न है, तमिल भक्ति आंदोलन के अलवार नयनार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, अलवार जो थे कौन थे, वो शिव भक्त थे, नयनार विष्णु भक्त थे, सही है क्या, गलत है ये,
ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, नयनार परंपरा में महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है लेकिन अलवार में नहीं। ये भी गलत है क्योंकि अलवार में ही साध्वी अंडाल हैं और नयनार में 63 लोग हैं, वो पुरुष हैं। हमने उनके नाम कुछ के लिखवा रखे हैं, मड़िकवाचगर टाइप के, ठीक है, तो याद रख लेना सब लोग, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, नयनार रचनाओं को नालायर दिव्य प्रबंधम के रूप में जाना जाता था जिन्हें लोकप्रिय रूप से तमिल वेद कहते थे। ये भी गलत है। अगला पॉइंट है कि दोनों समाज की सभी जातियों के लिए खुले थे। ये वाला इसका सही उत्तर है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब देखिए इसमें कुछ वंश हैं, उनको सुमेलित करना क्षेत्र से, तो देख लेते भाई। अब इसमें देखिए जैसे चौहान हैं, चौहान दिल्ली और अजमेर वाले एरिया में रहते थे, तो पहला तो गलत हो गया। चालुक्य कहाँ थे भाई, चालुक्य जो थे इन्होंने गुजरात पर शासन किया, ये भी गलत हो गया। गढ़वाल अपने आप फिर गलत हो जाएगा क्योंकि गढ़वाल जो था ना वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नहीं नहीं गढ़वाल हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर था और चोल जो थे वो तमिलनाडु में थे। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, किस मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान को भारत का भ्रमण करने वाला फ्रांसीसी मतलब एक चित्रकार था, वह कुछ समय तक मुगल शाहजादे दारा शिकोह का निजी चिकित्सक भी रहा, बाद में मुगल दरबार में ही अमीर बना दिया गया था, तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है भैया फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है, कहाँ का है, फ्रांस का रहने वाला है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला प्रश्न है, कीर्तन घोष के संदर्भ में निम्नलिखित में अच्छा कीर्तन घोष में किसका आख्यान दिया गया है। तो कीर्तन घोष में किसका आख्यान है भाई, ये शंकर देव, ठीक है, याद रखना। असम में सामुदायिक गायन पर इन्होंने बल दिया, कीर्तन घोष के पाठ में 26 खंड हैं, याद रखना, 31 कीर्तन या कृष्ण के आख्यान हैं और वो असम के असम में वैष्णववाद के अग्रणी उन्नायक के रूप में उभरे थे। तो नाम क्या भैया, नाम है शंकर देव, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कीर्तन घोष शंकर देव ने लिखा है। अच्छा किसका आख्यान है पूछा गया ना, तो हमें लगा लेखक है, तो कृष्ण हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट है, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में आईने अकबरी किसके विषय किस विषय से संबंधित है। आईने अकबरी, आईने अकबरी ना अकबर के प्रशासन और घर गृहस्थी से संबंधित है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान भी करनी है। तो देखिए क्या भाई इसमें, इसमें देखिए धार्मिक इतिहासकार अक्सर भक्ति परंपरा को दो व्यापक श्रेणियों में बांटते हैं, कैसे, एक सगुण एक निर्गुण, ठीक है। भक्ति परंपरा को निर्गुण सगुण में विभाजित किया जाता, बस सही है, सही पूछा जा रहा तो सही बताना है, तो पहले तो सही हो गया। निर्गुण भक्ति विशिष्ट देवताओं की पूजा पर केंद्रित थे, ऐसा कुछ था क्या, ऐसा कुछ नहीं था, ये सगुण में होता था, ठीक है, बी वाला तो गलत हो गया। फिर सगुण भक्ति में ईश्वर के निराकार अमूर्त रूप की आराधना की जाती थी, कबीर जो थे निर्गुण भक्ति के हिमायती थे, तो भैया ए सी डी सही, इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि मुगल साम्राज्य के संदर्भ में किस शासक द्वारा जबती प्रणाली शुरू की गई, तो जबती प्रणाली की शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा, ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1570 से 80 के बीच में। अगला पॉइंट क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वर्तमान राज्यों के क्षेत्र इलाके विजयनगर सम्राट के कृष्णदेव राय के नियंत्रणाधीन नहीं थे। और देखिए इसमें मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है ना, ये कृष्णदेव राय के नियंत्रण में नहीं था, ठीक है, बाकी तमिलनाडु था, केरल था, उड़ीसा था, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं था भाई। अगला प्रश्न क्या है कि किस सुल्तान ने अमीरों को उसकी अनुमति के बिना भोज और उत्सव आयोजित करने तथा विवाह गठबंधन करने से निषिद्ध कर दिया था। तो कौन था ये भैया, नाम है इसका अलाउद्दीन खिलजी, खतरनाक टाइप था, इसने 5 अध्यादेश जारी किए थे, अमीरों की दावत पर भी प्रतिबंध लगा दिया, शादी वादी मिलने वाले सब प्रतिबंध, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने अनुभवों को किताब रेहला में दर्ज किया है। किताब रेहला किसकी भाई, ये है अमीर खुसरो की किताब, ठीक है, अभी उत्तराखंड जो नहीं इब्न बतूता का है,
ठीक है, याद रखना इब्न बतूता का है, किताब रेहला। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। देखो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था ना वो था दंती दुर्ग, 8वीं शताब्दी के मध्य में किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का वंश कौन सा था भाई। अब देखिए तो देखिए क्या है कि मुगल वंश का साम्राज्य का संस्थापक है पितृ की तरफ से, पिता की तरफ से ये तैमूर था और माता की तरफ से चंगेज खान का वंश था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पितृवंश से तैमूर, मातृवंश से चंगेज खान से जुड़ा हुआ था, ये सही है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में डोमिंगो पायस बारबोसा कौन थे। देखो बारबोसा जो है ना वो तो आपको पता है वो पुर्तगाली यात्री है, तो डोमिंगो पायस भी वही होंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली यात्री। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सर्व या सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। देखिए सिंचाई कर पर जो कर लगाया था ना सिंचाई कर, वो पहला सुल्तान कौन हो सकता है जिसने काम किया होगा, तो काम किया था भैया फिरोज शाह तुगलक ने, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। देखिए सिकंदर लोदी नहीं था, इब्राहिम लोदी था, ठीक है, इब्राहिम नहीं दौलत खान लोदी, पंजाब का राज्यपाल हुआ करता था। इब्राहिम लोदी के अहंकार और अपमान से वह काफ़ी अपसन्न था, इसलिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दौलत खान लोदी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस बादशाह ने मोहम्मद आदिल शाह को शाह की उपाधि से सम्मानित किया था। किस मुगल बादशाह ने किया था भाई ऐसा, हुमायूं है, अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है। तो देखिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, तालिकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तालिकोटा का युद्ध जिसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोला जाता है, इसमें विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इसमें याद रखना जो बाहमनी साम्राज्य था उसमें एक बाहमनी साम्राज्य के संयुक्त सेनाओं ने पराजित किया था ना इस समय राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में, तो इसमें बरार शामिल नहीं था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1565 में हुआ था ये युद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा का वर्तमान किला निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में बना था। गोलकुंडा का वर्तमान किला किसके समय में बना था ये आपको पता होना चाहिए। तो गोलकुंडा का जो वर्तमान किला है वो इब्राहिम कुतुब शाह के शासन काल में बनाया गया था, सही उत्तर क्या हो जाएगा, इब्राहिम कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन प्रांत का मुखिया होता था। तो प्रांत का मुखिया कौन था, प्रांत का मुखिया था सूबेदार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत की। दहशाला ना अकबर ने शुरू की थी, ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अकबर कब किया था भाई, तो 1580 ईस्वी में दहशाला प्रथा की शुरुआत की। दहशाला प्रथा थी क्या कि पिछले 10 वर्षों का आकलन करने के बाद ही टैक्स का सिस्टम तय होता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कांगड़ा पर अधिकार करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। कांगड़ा पर अधिकार, तो कांगड़ा पर सबसे पहले अधिकार किया 1620 में जहांगीर ने, ठीक है याद रखना 1620 में किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बनवाया गया था। ये भैया बहुत सिंपल है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ दक्कन के निम्नलिखित में से किस मुगल सूबेदार को भेजा था। शिवाजी के खिलाफ, तो शिवाजी के खिलाफ 1660 में है ना, 1660 में शाइस्ता खां को भेजा था। किसने, औरंगजेब ने भेजा था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शाइस्ता खां नाम है। अगला प्रश्न है, बाहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये सबसे सिंपल प्रश्न है कि 1347 में बाहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखना, और उनका क्षेत्र जो था अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था, ठीक है याद रखना। और ये भी याद रखना, कृष्णा नदी वाला जो एरिया है ना दक्कन का, वो पूरा इन्हीं के अंडर में था। अगला प्रश्न क्या है, तो इसका सही उत्तर 1347 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय साम्राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। काकतीय साम्राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह, तो
ये था भैया मोतू पल्ली, सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखना। काकतीय का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इसी बंदरगाह से होते हुए काकतीय राज्य पहुंचा था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में आंध्र देश की समृद्धि और शक्ति का वर्णन किया है। किसके उसमें? ये काकतियों के दरबार में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? दारा सिको मुरीद था। मुरीद मतलब क्या होता भाई? शिष्य। देखिए भारत में कादरे सिलसिले की नींव रखी थी शेख निजामत उल्लाह ने। 1640 में दारा सिको औपनिवेशिक औपचारिक रूप से सूफीवाद में कादरे सिलसिला में दीक्षित हुआ और उसी वर्ष उसने अपनी पहली पुस्तक सकिनातुल औलिया लिखी थी। यह विख्यात मुस्लिम सूफियों की जीवनियों का संग्रह है। क्या नाम है इसका? सकिनातुल औलिया नाम है। तो कादरे सिलसिले का मुरीद था दारा सिको, ठीक है। अगला प्रश्न है, दीवाने बंदगान निम्नलिखित में से किसका विभाग था? दीवाने बंदगान ये भैया गुलामों का था, फिर शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। यह हम पहले 3-4 बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुमेलित करना है हमें। अच्छा, सही सुमेलित बताना है कौन सा है। तो इसमें देखिए, अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, शुद्ध अद्वैतवाद है, और ये पांचवा ऑप्शन भी है। तो इसमें देखिए कि विशिष्ट अद्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य का है, ठीक है, और अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है, ठीक। तो ए और बी, एक मिनट, विशिष्ट अद्वैतवाद है रामानुजाचार्य का और अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, ठीक है। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य से संबंधित है और द्वैतवाद जो है माधवाचार्य से संबंधित है। तो सी और डी इसका सही सुमेलित है, और पूछा क्या गया? सही सुमेलित पूछा गया, इसलिए इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन सही हैं इसके। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान में जो सुमंत होता था वो क्या था? सुमंत जो होता था, देखिए अष्ट प्रधान शिवाजी के द्वारा मराठा प्रशासन में गठित 8 मंत्रियों की परिषद होती थी। इसमें देखिए पेशवा थे, पंडित राव थे, सुमंत थे, अमात्य मंत्री, सचिव, सेनापति, न्यायाधीश हुआ करते थे। जो पेशवा था ना वो प्रधानमंत्री होता था राजा का, जबकि अमात्य था वित्त और राजस्व मंत्री, ठीक है, ध्यान रखना। और मंत्री जो पद है वो होता था जासूसी विभाग संभालता था, आंतरिक मामला, विशेष रूप से खुफिया वाला, ठीक है। सचिव सभी पत्राचार के लिए जिम्मेदार था। सुमंत विदेश मंत्री होता था। सेनापति सेना की नियुक्तियां देखता था, संगठन देखता था, खाद्य आपूर्ति देखता था। पंडित राव धार्मिक सहायता के लिए होता था, और न्यायाधीश जो था वो मुख्य न्यायाधीश होता था। तो सुमंत जो है कौन है? वो विदेश मंत्री था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें कालक्रम बताना है मराठा व्यक्तित्वों का, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि बालाजी बाजीराव प्रथम हैं, बालाजी बाजीराव हैं, बालाजी विश्वनाथ हैं, माधवराव हैं, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बालाजी विश्वनाथ जो थे ना 1713 से 1720 तक रहे पेशवा। साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े बेटे थे, साहू जो थे बालाजी विश्वनाथ के बड़े बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। इनका कार्यकाल 20 से 40 तक रहा। किसका? बाजीराव प्रथम का। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आ रहे हैं इस समय इसमें, तो और उसके बाद बाजीराव आते हैं। फिर नंबर आता है 1740 से 61 के बीच में बालाजी बाजीराव, ठीक है। फिर आते हैं 1761 से 1772 के बीच में माधव राव। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा, फिर बाजीराव प्रथम हो जाएंगे, फिर बालाजी बाजीराव हो जाएंगे, और फिर उसके बाद माधव राव हो जाएंगे। तो 3, 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपने आप को सात्यकी का वंशज कहता था? ये थे भैया राष्ट्रकूट लोग, राष्ट्रकूट वंश सात्यक का वंशज बोलते थे। राष्ट्रकूट शक्ति का संस्थापक था दंती वर्ग, दंती वर्मा या दंती दुर्ग था। इसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया था? ये चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था।
अगला प्रश्न देखते हैं, तो सही उत्तर राष्ट्रकूट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कश्मीर के शासक वर्ग नहीं था? कश्मीर का जो शासक वर्ग है वो तीन है, कौन कौन है? करकोट है, उत्पल है, लोहार है। ललितादित्य प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध शासक था, नाम याद रखना। और सेन वंश का शासन जो था वो बंगाल में था, ये आपको इसी में ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, सही उत्तर सेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था भाई, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानीय स्वशासन प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रशासन की मूल विशेषता थी? ये भैया देखो चोल से संबंधित थी, है ना, याद रखना, चोल प्रशासन से संबंधित थी, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय राजवंश ने चट्टानों को काटकर एलोरा में कैलाश मतलब शिव का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? तो ये बनवाए थे, कौन बनवाए थे भाई? ये थे राष्ट्रकूट वंश के शासक लोग, सही उत्तर राष्ट्रकूट राजवंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत सुमेलित बताना है इसमें, ठीक है, तो गलत सुमेलित में देख लेते हैं। जैसे सेन वंश है विजय सेन द्वारा स्थापित, पाल वंश गोपाल द्वारा स्थापित, कर्नाड वंश नानदेव द्वारा, चोल वंश राजेंद्र द्वारा। तो चोल वंश राजेंद्र द्वारा नहीं है, क्योंकि राजेंद्र जो है राजराज प्रथम का लड़का है, तो राजराज प्रथम हो सकते हैं, तो चोल वंश तो गया। सेन वंश आता है, सेन वंश के बारे में देख लें, विजय सेन ने स्थापित किया था, सही बात है। पाल वंश गोपाल वंश गोपाल के द्वारा किया गया, और कर्नाट वंश जो है नान्य देव के द्वारा स्थापित किया गया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चोल वंश, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले कूदने वाला पहला पाल शासक कौन, पाल शासक का नाम क्या था? तो इसमें पाल वंश का गोपाल था, और ये याद रखना त्रिकोणीय संघर्ष की जो शुरुआत होती है ना वो ध्रुव से होती है। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट तीनों लोग लड़ रहे थे, तो राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव, इसी ने इसकी शुरुआत की और अंत किया किसने? प्रतिहार वंश के शासक ने, तो प्रतिहारों ने ही इसमें विजय प्राप्त की थी। और त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना ये कन्नौज को लेकर हुआ था, ठीक है, कब हुआ था ये? आठवीं ये नवीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया चंदेलों ने करवाया था, 1100 है ना, 11वीं शताब्दी थी। अगला प्रश्न क्या है, पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण देखो अलबरूनी है ना, अलबरूनी नहीं, जगन्नाथ मंदिर भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में पुरी में विष्णु के रूप जगन्नाथ को समर्पित एक महत्वपूर्ण मंदिर है, हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ है। गंग वंश के पहले राजा हैं अनंत वर्मन, चोड गंग ने इसका निर्माण करवाया था, तो अनंत वर्मन नाम है इनका। अगला प्रश्न देखें, तो अलबरूनी न्यूक्लियन में से किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था ये, ठीक है, ख्वारिज्म से था ये, आज का उज्बेकिस्तान। अधिकांश जीवन इसने अपना गजनी में बिताया, ध्यान रखना, और गजनवी वंश की राजधानी जो हुआ करता था। उसने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और हिंदू धर्म तथा जिस तरह से भारत में इसका अभ्यास किया जाता था उससे बहुत प्रभावित था। तो अलबरूनी किसके समय में आया? ये आया महमूद गजनवी के साथ, किस शासन, महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं भाई? देखिए गर्भगिरी है क्या? गोपुरम नहीं होना चाहिए, शिखर भी है, प्रदक्षिणा पथ है, लेकिन गोपुरम नहीं है इसकी विशेषता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है बताना, मतलब गलत जो सुमेलित हो। अब देखिए लेखक है और पुस्तक दी गई है, आर्यभट्ट है, आर्यभट्टी, ब्रह्मगुप्त, खंड खड्यक, भास्कर, सिद्धांत शिरोमण, वराहमिहिर, गोलाध्याय। अब देखिए आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी लिखी, सही बात है। ब्रह्मगुप्त ने खंड खाद्यक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया, तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया और खाद्य खंड दिया भी। भास्कर ने सिद्धांत शिरोमण लिखी है, लेकिन वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी, बृहद जातक लिखी, लघु जातक भी लिखी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वराहमिहिर का सुमेलित
सुमेल जो है वो गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्करी संप्रदाय का संत नहीं था? तो वर्करी संप्रदाय का कौन नहीं था, वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों को शिष्य के रूप में ग्रहण करने वाले हिंदू संत कौन थे? तो इसमें देखिए नामदेव नाम है, तभी नामदेव जो थे मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख संत थे, मराठी भाषा में लिखते थे। नामदेव ने कई अभंगों भजन की रचना की थी, उनके कुछ पद्य सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ में शामिल भी किए गए हैं। उनका हिंदुओं मुसलमानों सिखों द्वारा व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था। ठीक है, तो इसका इसमें नाम आएगा नामदेव का। अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद भारतीय तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो तूतीय हिंद जो बोला जाता है ना, वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना अमीर खुसरो नाम है इनका। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये सबको पता होगा और बहुत सिंपल प्रश्न है, 1576 में लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। इसमें जो महाराणा प्रताप की सेना में एक सेनापति था, उसका नाम था हकीम खान सूर, जैसा कि UPPCS प्री में पूछा गया प्रश्न है। ये अकबर की सेना का सेनापति कौन था, मान सिंह था उस समय। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1576, याद रखना। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंश हुए हैं टोटल, संगम, सालुव, तुलुव, अरविडु। तो इन चार राजवंशों का क्रम याद रखना है, यही क्रम भी है भाई। तो संगम पहला हुआ, सालुव दूसरा, तुलुव तीसरा, अरविडु चौथा वंश है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है नहीं है बताना, मतलब गलत सुमेलित जो है उसको बताना है। अब देखिए, होयसल जो है ना द्वार समुद्र है राजधानी, पल्लव की वातापी थोड़ी ना है, पल्लव की क्या है, पल्लव की है कांचीपुरम, पांड्य की है मदुरई और यादव की है देवगिरी। तो इसका इसमें पल्लव जो है ना वो गलत हो जाएगा, पल्लव का कहाँ है, कांचीपुरम में। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो किसने भेजा था भाई, विजयनगर का शासक था बुक्का प्रथम, इसी ने भेजा था अपना दूत, तो बुक्का प्रथम सही हो गया। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का जो मूल नाम था वो था भैया राम तनु पांडे। ठीक है, याद रखना। और तत्त्व टॉपिक क्या नाम था भाई, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तकावी ऋण निम्नलिखित से किसको संदर्भित करता है? तकावी ऋण जो था ना वो खेती के लिए दिया जाता था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रचलित हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खेती के लिए ऋण होता था। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसके चलते बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ था? बहमनी साम्राज्य का विघटन 1347 में स्थापित हुआ था, ये आप सबको पता है। इसमें बीजापुर है, आदिलशाही, अहमदनगर है, निजामशाही, गोलकुंडा है, कुतुबशाही, बरार है, इमादशाही और बीदर है बरीदशाही। ठीक है, तो किसके चलते बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के साथ संघर्ष के चलते। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। अरे भाई, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था ना, ठीक है, तो 1565 में जो हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा सीधे भुगतान की जाने वाली दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना बनाई गई थी, सबसे बड़ी स्थायी सेना जो दिल्ली सल्तनत में बनाई गई थी वो खिलजी वंश में बनाई गई, सबसे शक्तिशाली शासक थी ये, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ऐसा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत भी की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगल उद्यान निम्नलिखित में से किस शैली से प्रेरित था? मुगल उद्यान जो है ना, मुगलों द्वारा बनाए गए उद्यान थे, उद्यानों की शैली जो थी वो फारसी थी, याद रखना। और मुगलों की जो दरबारी भाषा थी ना वो फारसी ही थी, पहले तुर्की थी लेकिन बाबर के समय में, उसके बाद ये फारसी हो गई थी, समझ रहे ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फारसी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम संस्करण संकलन करने वाले सिख गुरु कौन थे? ये सबको पता होगा कि संस्थापक थे भैया गुरु नानक। ठीक है, सिख गुरुओं और संतों के छंदों से युक्त मूल जो आदि ग्रंथ का संकलन हुआ
1634 में पांचवें सिख गुरु थे, अर्जुन देव ने किया था। इसका सही उत्तर अर्जुन देव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद संबंधित है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, याद रखना सर की राजवंश है। और झुकी हुई बड़ा प्रवेश द्वार सर की शैली का विशेष उदाहरण भी है, झुकी हुई दीवार से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर की शासकों से। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी में डैश द्वारा डैश के शीर्षक से अनुवाद किया गया था, तो कैसे किया गया था भाई। अब देखिए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान उसके बेटे दारा शिकोह, जो भारतीय धर्म और दर्शन में अच्छी तरह से निपुण भी थे, इन्होंने सिर ए अकबर के शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। किसने किया था भैया, दारा शिकोह ने किया था, सिर ए अकबर के शीर्षक से किया था। तो इस तरीके से आज इसमें भी 150 प्रश्न कंप्लीट हो गए, मतलब दूसरा टेस्ट पूरा हो गया। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो आएगी कल और टेस्ट हम उम्मीद करते हैं कि पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।